22 तारीख से सावन शुरू हो रहा है, इसको लेकर गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। कांवड़ियों को कोई परेशानी ना आए इसके लिए प्रशासन अच्छे तरह से इंतजाम कर रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश किए हैं कि कांवड़ियों को कोई भी परेशानी ना हो। शासन के निर्देश के बाद गाजियाबाद बिजली विभाग भी एक्शन मोड में आ गया है। इसी को लेकर हमारे न्यूज चैनल ने लोगों से खास बातचीत की और गाजियाबाद बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर नरेश भारकी के साथ खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा। आने वाली 22 तारीख से सावन का महीना शुरू हो रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले अधिकारी को प्रशासकों को निर्देश दिया कि कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए गाजियाबाद पुलिस गाजियाबाद प्रशासन लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आज बिजली विभाग भी एक्शन मोड में देखा गया है। बिजली विभाग ने जहां भी खंभे के पोल लगे थे वहां पर पन्नी चढ़ाई है ताकि कोई भी घटना ना हो सके। इसके लिए बिजली विभाग के अधिकारी की टीम लगातार रोड पर अपना कार्य को अंजाम दे रही है और कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए गाजियाबाद के चीफ इंजीनियर से जब हमारी ANB की न्यूज टीम ने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहना था कि जैसे शासन के निर्देश है, प्रशासन के निर्देश है कि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं। हम 24 घंटे बिजली प्राप्त कराने का वादा कर रहे हैं जनता को भी और कांवड़ियों को भी, और कांवड़ियों को रास्ते में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, जैसे कि कोई घटना ना हो। खंभों के ऊपर हमने अपनी टीम के द्वारा पन्नी चढ़ाई है ताकि खंभों में करंट ना आए और कोई भी दुर्घटना ना हो। सावन 22 तारीख से शुरू हो जाएगा। जैसे कि शासन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया कि कांवड़ियों को और जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इस वक्त खड़ा हूँ मैं गाजियाबाद के चीफ इंजीनियर साहब ऑफिस नरेश भारती जी के संग और जानेंगे इनसे कि किस तरह बिजली जनता को भी उपलब्ध कराएंगे और जो कांवड़ी लेके आएंगे, क्योंकि रात को लाइटिंग का लोड भी ज़्यादा रहेगा और इंडस्ट्री भी चलती है क्योंकि गाजियाबाद एक इंडस्ट्री एरिया भी है, तो कैसे ये बिजली आपूर्ति कराएंगे, क्या इनके पास विजन है, क्या इनकी प्लानिंग है। नरेश जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कांवड़ 22 तारीख से शुरू हो जाएगी, तो आप लोग जनता को कैसे बिजली उपलब्ध कराएंगे, कांवड़ियों को कैसे, इंडस्ट्री एरिया है गाजियाबाद और जो इंडस्ट्री है उनको कैसे बिजली उपलब्ध, क्या आप लोगों के पास प्लानिंग है सर? देखिए, बिजली की कोई कमी नहीं है। बिजली जैसे अभी मिल रही है कांवड़ यात्रा के दौरान मिलेगी, बल्कि और बेहतर मिलेगी जी। अभी जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है इसमें कोई भी विद्युत दुर्घटना ना हो, किसी भी कांवड़िया को, किसी कांवड़ी यात्री को जो है किसी तरह की बिजली की वजह से दिक्कत ना हो, तो मार्ग पर पूरा प्रकाश रहेगा। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से जो लोहे के पोल हैं, स्टील के पोल हैं, उन स्टील के पोल पर हम पॉलीथीन लगा रहे हैं, इंसुलेट कर रहे हैं जिससे कि किसी को कोई शॉक ना लगे। उसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर्स हैं इस रूट पर उन सभी की बैरिकेडिंग की जाएगी, उनकी अर्थिंग की जाएगी, ये काम चल रहा है लगातार जो है, और जो कहीं तार झूल रहे हैं उनको भी टाइट करने का और कसने का काम चल रहा है। सर, आपके कितने ऐसे कर्मचारी लगे हैं जो रोड पर जो ये काम आप लोग करवा रहे हो, कितनी टीम उपलब्ध रहेगी वहाँ पे? सामने हमारे इस रूट पर जितने सबस्टेशंस हैं उन सबस्टेशंस के करीब करीब सभी कर्मचारी इस पर लगे हुए हैं जी। हर सबस्टेशन से मेंटेनेंस काम चल रहा है। इसके अलावा इसके लिए अलग से कॉन्ट्रैक्टर्स को भी इंगेज किया गया है, तो कांवड़ियों को किसी बड़ी दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। सुरक्षा के हिसाब से पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे कि कोई विद्युत दुर्घटना घटित ना हो। तो ये थे गाजियाबाद के चीफ इंजीनियर बिजली विभाग के, इनका साफ तौर पर कहना है जैसे कि शासन चाहता है कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो और सुरक्षा के भी इंतजाम इनकी टीम लगातार कर रही है, और इनका कहना है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं गाजियाबाद में उनको भी बिजली उपलब्ध कराना इनकी पहली प्राथमिकता है, और इनका जो कांवड़ी आएंगे उनकी सुरक्षा को लेकर भी यह कड़े इंतजाम कर रहे हैं और यह फील्ड में खुद भी निरीक्षण करने जा रहे हैं। इनका कहना है कि किसी भी प्रकार की कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने देंगे। गाजियाबाद से कैमरा संघ गुरप्रीत के संग मैं प्रवीण अरोड़ा, ANB न्यूज के लिए।